वर्ली फेस्टिवल एक बहुत ही अच्छा कदम है और केवल वर्ली के यहाँ के नागरिक नहीं आते हैं बल्कि पूरी मुंबई के नागरिक यहाँ आते हैं। वाशी से लोग आए हुए हैं, कोलाबा से लोग आए हुए हैं, खास करके दक्षिण मुंबई के सभी लोग आते हैं और मैं यहाँ उपस्थित सभी नागरिकों की ओर से और सभी दुकानदारों की ओर से मैं खास करके हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन आहिर जी का बहुत बहुत उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हर साल वे ये वर्ली फेस्टिवल आयोजित करते आ रहे हैं। और मैंने अपने भाषण में भी कहा कि वर्ली एक ऐसे क्षेत्र है जहाँ पूरी मुंबई और भारत की जो विविधता है यहाँ नज़र आती है और यदि आप वर्ली सी फेस पे चलोगे आज हमारे साथ, हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर धर्म, हर जाति के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कोई खाना खा रहा है, कोई अपने बच्चों के साथ घूम फिर रहा है और यही मैं मानता हूँ कि मुंबई की जो स्पिरिट है जहाँ पूरी देश की डाइवर्सिटी नज़र आती है, सब लोग साथ में मिलकर एक दूसरे के साथ आपसी जो भाईचारा का जो वातावरण है, इसी उद्देश्य को वर्ली फेस्टिवल आगे ले जाए। सचिन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि वर्ली फेस्टिवल ऐसा एक फेस्टिवल बन चुका है, जैसा कि सर ने भी बताया कि मुंबई के हर एक कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। कम से कम 40,000 से 50,000 लोग दो दिन के त्यौहार में आते हैं और हर साल ये इंतज़ार किया जाता है कि कब वर्ली फेस्टिवल आएगा। और जैसे हमने कहा कि ये सिर्फ एक व्यासपीठ खाने और पीने के लिए नहीं, लेकिन नौजवान जो यहाँ पे जो आर्टिस्ट होते हैं उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने का काम हम लोगों ने किया है। और इसलिए आपने देखा होगा कि मिलिंद दाते पुणे से यहाँ पे आए जिन्होंने आज तक के 3,000 शो किए। बैंड्रा बॉयज़ भी, उनका एक बहुत बड़ा बैंड है, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। और ये वही फेस्टिवल है जहाँ सलमान खान से लेकर तो ये जूने आर्टिस्ट तक के भी यहाँ पे आते। तो एक व्यासपीठ निर्माण कर रहे जिसमें हम कला हो, टैलेंट हो, जो साथ ही साथ में वर्ली फेस्टिवल के माध्यम से वर्ली भूषण पुरस्कार भी दिया जाता है ताकि यहाँ के जो जिन्होंने सोसाइटी के लिए जो काम किया है उसको भी एक सराहने की कोशिश की जाती है। एंड एक जो खास बात ये रही कि यहाँ पे ढेरों सारे स्टॉल है, हमने देखा, आपने भी विजिट किया के स्टॉल पे और यहाँ भी हम देख रहे हैं तो गन्ने का जूस। हाँ, कितना स्टॉल्स पे डिफरेंट बहुत बढ़िया। और मैं खास करके फिर से और एक बार सचिन जी और संगीता जी और पूरी टीम जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजित किया उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सचिन भाऊ को यही पूछ रहा था कि आपने स्टॉल्स को कैसे सिलेक्ट किया। बहुत ही अच्छी तरह से सिलेक्ट हुआ है। हर प्रकार की खाना ड्रिंक्स आपको यहाँ मिल रही है। हमारे कोलीवाड़ा, वली कोलीवाड़ा बिल्कुल बगल में है तो वहाँ की जो खाना है, मालवानी खाना, सी फूड खाना वहाँ आपको मिल रहा है, बिरयानी मिल रहा है, शवरमा मिल रहे हैं, डिज़र्ट्स, हर प्रकार के डिज़र्ट्स, गन्ने के जूस। सो मैं मानता हूँ कि ऐसे चीज़ों को क्यूरेट करना यहाँ के दर्शकों के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए एक ऐसे फेस्टिवल त्यौहार तैयार करना, हर साल इतना टाइम देना, इतने एफर्ट लेना, मेहनत लेना, ये बहुत बड़ी बात है। ये स्टॉल्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे मिलिंद जी ने भी? जैसे मिलिंद जी ने कहा कि इसके पहले भी हमारा एक प्रयास रहा है कि सांची जैसा फूड है, फोर सीजन में से था, उनको हमने एक व्यासपीठ पे लाने का काम किया था फूड फेस्टिवल के माध्यम से। तो छोटे यहाँ का जो मशहूर वड़ा पाव से लेकर भेलपुरी से लेकर, तो फोर सीजन के सांची हो, तृप्ति जैसे हो, स्वाति जैसे हो, तो जो वर्ली में जो खासियत जो रही है, जो लोगों को, जो आम आदमी जा नहीं सकता है वहाँ पे आने, उन लोगों को लाने का प्रयास इस फेस्टिवल के माध्यम से भी करने की कोशिश हुई। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। मुझे लगता है आज वर्ली में पूरे ही मुंबई की एनर्जी आपको दिखाई देगी और इतना अच्छा क्लाइमेट है, इतनी अच्छी ठंडी है, गुलाबी ठंडी, और इतने सारे लोग यहाँ आए हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं और आज गणतंत्र दिवस भी है तो आज का एक अनोखा, मतलब बहुत ही अमेजिंग दिन है। सो आज सभी चीज़ों को एक साथ ला के इतना अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा है, इतना अच्छा, इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं, इतना अच्छा फूड है, इतने अच्छे न्यू आर्टिस्ट है और यू नो ऑर्गेनिक काइंड ऑफ वेजिटेबल्स का एक अच्छा एक शो है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और इतने सारे लोग हैं, मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब कुछ देख के। हमने देखा ढेरों सारे स्टॉल विजिट किया आपने एंड सारी चीज़ों को आपने ध्यान से देखा,
बहुत ही एंजॉय किया। मुझे लगता है हर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को भी यहाँ लेके आना चाहिए। और अभी मैजिका के जो हम कार्टून देख रहे हैं तो इतना अच्छा लग रहा था, मुझे पेरेंट्स भी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और छोटे छोटे वुडन यू नो इको फ्रेंडली जो हम बचपन में जो बर्तनों के साथ खेलते थे एंड ऑल, वो इस चीज़ों का डिस्प्ले है। तो आई थिंक पेरेंट्स लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ ला के उनको ये दिखाना चाहिए। स्पेसिफिक किसी परफॉर्मेंस का इंतज़ार होता है आज के मौके पर, लाइक कि डांस या गाने या जो हमने अभी शायरी अंदाज में? बहुत अच्छी पोएट्स हमने सुने, आई थिंक बहुत सारे यू नो दोहे या ये सब हमें बहुत, मतलब आजकल कोई पता नहीं कोई सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, बट एक एक आप अगर एक पोइट्री भी आप अच्छे से सुने तो उसमें एक एक फिल्म की कहानी बन सकती है। तो इतनी अच्छी सोच है। और बहुत सारे परफॉर्मेंस है, कल शिबानी कश्यप परफॉर्म करेगी, बैंड ऑफ बॉयज़ का सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा ये मंच है सभी आर्टिस्टों को आके परफॉर्म करने के लिए। टोटल धमाल मूड में है सब जन एंड बहुत अच्छा रिव्यू मिला है हमें, बहुत ही अच्छा ट्रेलर है, उससे अच्छी फिल्म है। और बहुत ही मैं श्रेय अजय जी को देना चाहूँगी कि अजय जी ने इसमें बहुत ही मेहनत की है। आई थिंक ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क इन द फिल्म, लाइक फ्रॉम एडिटिंग टू हर चीज़ में उन्होंने सपोर्ट करके इस फिल्म को जो आज इस यू नो इस मैसिव वे में आप जो देख रहे हैं, तो इसमें यस उनका बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है और सभी लोगों का योगदान है। टोटल धमाल के मौके पर हमने आपको देखा, आप भी वहाँ पर प्रेजेंट थे, तो आप बताइए कि आपके जो जितने भी करीबी दोस्त हैं या जितने भी स्टार कास्ट हैं, क्या उनका क्या फीडबैक था ट्रेलर को लेकर, या इंडस्ट्री से क्या कुछ कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है ट्रेलर को लेकर? क्योंकि हमने देखा अभी तक मिलियंस ऑफ व्यू आ चुके हैं टोटल धमाल को लेकर, तो आपके जो दोस्त हैं करीबी दोस्त हैं उनका क्या रिस्पॉन्स था? एक कॉमेडी फिल्म को इस एक इंटरनेशनल लुक दिया गया है और बहुत ही इंटरनेशनल लग रहा है फिल्म, ऐसे लग रहा है कोई जंगल बुक है या क्या है, एडवेंचर है, मिस्ट्री है, पूरी कॉमेडी है। तो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर का एक एक खासियत है, तो वो आपको एट अ टाइम एक फिल्म में देखने मिलेगा आई थिंक। और जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह ऑलरेडी सब लोग स्टार्ट करें कि हमें कब मिलने वाला है देखने के लिए, हमें ट्रेलर देखना, हमें प्रीव्यू देखना है ऑफ द फिल्म, प्रीमियर ऑफ द फिल्म, तो सभी को बहुत ही इंतज़ार है धमाल फिल्म देखने। मैं भी सभी लोगों के साथ अभी देखना चाहूँगी। इसके अलावा मैडम 2019 में और भी ढेरों सारे प्रोजेक्ट हैं आपके, कुछ एक मराठी फिल्म में भी है, तो अगर आप थोड़ा सा बता सकें, शेयर कर सकें। मराठी फिल्म हमने जो दगड़ी चाल पार्ट वन किए थे, अभी दगड़ी चाल पार्ट टू, इसके ऊपर आई थिंक दिस ईयर ओनली उसकी रिलीज होगी, अनाउंस तो हो चुकी, टीज़र हमने लॉन्च कर चुके पहले ही, एंड इसकी रिलीज भी इसी साल होगी। एंड जाते जाते वर्ली फेस्टिवल एक बार फिर से अपने चाहने वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप वर्ली फेस्टिवल? मैं सभी को कहना चाहूँगी कि सभी लोगों ने आके इसको इसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए, ऐसे ही लोग आके यहाँ टहलते हैं वर्ली सी फेस में, और आज जो आप देखेंगे यहाँ का कंप्लीट रौनक अलग है। तो ये फेस्टिवल सभी लोगों के लिए, तो मैं आपके माध्यम से सभी को मैं आज वेलकम करूँगी, प्लीज़ आइए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।